वो शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, दर्शन है, अध्यात्म है, उसको आज के आधुनिक उपन्यास का जामा पहनाया गया। जो कुछ शब्दों में है वही उसमें सब कुछ नहीं है, शब्दों के पीछे बहुत कुछ है। ये गीता में था तो, पर बंद था, आपने इसको खोल दिया, अब ये सामान्य पाठक की समझ में आ जाएगा। सामान्यतः हम लोग गीता पढ़ते हैं, महाभारत नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमको लगता है कि गीता से ही युद्ध आरंभ हुआ, गीता के उपदेश के बाद। महाभारत का कहना यह है कि 10 दिन युद्ध हो चुका था, अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा है, वो कहता है कि नहीं लड़ना है मुझे। तो ये समाचार कुंती के मन में क्या उथल पुथल पैदा नहीं करेगा कि अगर अर्जुन नहीं लड़ा तो क्या होगा? तो मैं जो समझता हूँ वो ये है कि वो अपने हिस्से का युद्ध कर रही है कि इनको हतोत्साहित किया जाए। राष्ट्र को जितनी ऊंचाई पर रख के आप लोग देखते हैं सामान्य व्यक्ति, क्योंकि वो महाभारत का पात्र है, पाप की जड़ धृतराष्ट्र है, दुर्योधन तो उसका तना है। जो प्रेरक करता है वो ब्रह्म है और आप प्रेरित करता है, तो मैं करता हूं लेकिन प्रेरित हूं। जब तक वो प्रेरणा पीछे से नहीं आएगी, प्रेरक ये नहीं चाहेगा, तब तक नहीं होगा। गीता में वो कहते हैं कि जीवन जो है वो एक ऐसे अश्वत्थ वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, पत्ते नीचे हैं। एक पत्ता झड़ता है तो सैकड़ों पत्ते उसमें नए आते भी हैं, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो उस परिवर्तन के कारण आपको लगता है कि सब कुछ बदल गया, लेकिन न तो प्रकृति के नियम बदले हैं और न मनुष्य का स्वभाव बदला है। काम क्रोध लोभ मोह उसी तरह से उसमें है। जब आप गीता पढ़ते हैं तो उसमें एक बार नहीं, अनेक बार कृष्ण ने कहा कि मेरे आश्रय में या मेरी शरण में आओ। अंत में जब वो कहते हैं कि सारे धर्मों का त्याग कर तू मेरी शरण में आएगा, तेरे सारे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। देव की परमा